हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं एक कमाल धमाल मचाने वाला कलेक्शन ऑफ टॉयज। और आज आप देख सकते हैं, आज जो हमारे पास कलेक्शन है वो है कलेक्शन ऑफ स्पाइडरमैन। सो है ना कमाल का। तो आज हम आपके लिए सारे स्पाइडरमैन के टॉयज के कलेक्शन लेके आए। तो आज उसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास स्पाइडरमैन गुल्लक है, ये एक और जो है वो भी गुल्लक है। स्पाइडरमैन हमारे पास कार है, प्लस मॉडिफाई होने वाली सॉरी बाइक भी है, इसको आप कार भी बोल दो कुछ भी बोल दो। उसके बाद स्पाइडरमैन का हमारे पास शूटर है, स्पाइडरमैन का एक और शूटर है हमारे पास। यहाँ पर स्पाइडरमैन का हमारे पास एक टॉयज है, उसके बाद स्पाइडरमैन का हमारे पास बॉक्स है, दो स्पाइडरमैन के मास्क और लास्ट नॉट द लीस्ट हमारे पास स्पाइडरमैन का एक ग्लव्स है। और उसके बाद हमारे पास स्पाइडरमैन एवेंजर्स का एक कंप्यूटर गेम भी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो जाके सबसे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, जिससे कि मैं जब भी कोई हमारा नया टॉयज का वीडियो लेकर आऊँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखने वाले व्यूअर्स बन पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के जल्दी से हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम पिक करते हैं हमारे स्पाइडरमैन का मास्क। तो आप देख सकते हैं पास दो तरह के स्पाइडरमैन के मास्क है, ये बिग और स्मॉल है। और दोनों में डिफरेंस जो है वो हल्का सा, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी का भी डिफरेंस है। इसको भी मैंने ऑफलाइन मार्केट में परचेस करा है। यहाँ पे भी इस तरह का आवाज आ जाता है जैसा यहाँ पे है, जिससे आप मास्क आपके ऊपर पहन सकते हैं। पूरा का पूरा प्लास्टिक का है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसको मैंने ऑफलाइन मार्केट में परचेस करा है। तो अगर आपको इसको भी ऑफलाइन मार्केट में परचेस करना है, ऑनलाइन परचेस करना है चीपेस्ट प्राइस में, तो मुझे नीचे एक कमेंट करी, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा जहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में परचेस कर सकते हैं। अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद है तो नीचे कमेंट भी करिए। तो चलिए इसको रखते हैं सेकंड में। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉय के ऊपर, जो कि हमारा स्पाइडरमैन ग्लव्स। देखिए वाह, ये बच्चों के लिए है, मेरा हाथ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके घर में कोई भी स्पाइडरमैन का फैन है। देखिए वाह, तो मेरे हाथों में ही आ चुका है स्पाइडरमैन का ग्लव्स। तो आप इसको पहन के आप सारी आपकी एक्टिविटीज कर सकते हैं, आपको खेल सकते हैं, कुछ भी करना है। तो आपका हाथ भी जो है स्पाइडरमैन का हो चुका है, मतलब इतना तक ग्लव्स आपका हाथों में स्पाइडरमैन आ चुका है। तो चलिए अब पिक करते हैं हमारे अगले टॉय के ऊपर, क्योंकि अब हमने स्पाइडरमैन का ग्लव्स तो पहन लिया है। तो अब अगला टॉय हम पिक करते हैं ये वाला, देखिए स्पाइडरमैन वेब शूटर। वाह, देख सकते हैं काफ़ी कमाल का, काफ़ी स्मॉल साइज में है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको हाथ में इस तरह का इसका बेल्ट आता है, वो आपको बेल्ट भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आप इसको बेल्ट लगा के आपके हाथों में इस तरह से बांध सकते हैं, इस तरीके से जहाँ पर भी आपको शूट करना है यहाँ पर इस तरीके से बांध के। और ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बुलेट्स बाहर निकलती है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर बुलेट्स लगाने का तरीका भी काफ़ी आसान है। यहाँ से आपको इसको ओपन करना है, ये देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ कहाँ से ओपन होगा, एक सेकंड, यहाँ से ओपन होगा, ये देखिए आई थिंक, ये देखिए यहाँ से ओपन होगा। इसमें इस तरह के शूटर्स दो तीन चार पाँच जितने भी लगा सकते हो आप लगा दीजिए। इसको पैक करिए, यहाँ पे आप हाथ में बांधिए, और उसके बाद आप इसको इस तरीके से फायर करिए। देखना आप इसको, वाह देखा आपने कितना फास्ट, मतलब यहाँ से आपने देखा इसके अंदर शूट, आपने इसके अंदर बुलेट्स लगाई इस तरह की, और यहाँ से आपने जैसे इसको फायर किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से फायर हो चुका है। तो इस तरह का अगर आपको यह वेब शूटर चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पूरा प्लास्टिक का है बड़ा फ्रंट अब, इसका मैं आपको हाथ में बांधने का और भी आपको बताऊंगा। चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉय के ऊपर, जो कि हमारा ये स्पाइडरमैन। देखिए ब्लैक एंड रेड स्पाइडरमैन टॉय कलेक्शन ही हमारा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए है, जो मतलब बच्चे जो हैं 3-4-5 साल के जो बच्चे हैं उनको इस तरह से खेलने के लिए यहाँ पर दे रखा है। ये देखिए यहाँ पर ऊपर निकाल के इसको स्पाइडरमैन बना देते हैं। और इसका नाम क्या है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ इसका नाम। तो अगर आपको इस गेम का नाम पता है तो मुझे नीचे कमेंट करिए। देखिए स्पाइडरमैन यहाँ पे बन चुका है, ये ना कमाल का हमारा स्पाइडरमैन का टॉयज। तो अगर आपको ये भी पसंद है नीचे कमेंट करिए। तो इसको रखते हैं साइड में। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉय के ऊपर, जो कि हमारा स्पाइडरमैन बॉक्स। देखिए वाओ, ये ना कमाल का, इसको आप इस तरीके से स्टैंड पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो वो दे रखे हैं अभी मेरे हाथ पर नहीं आ रहे हैं, अगर आपके नाखून होता आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं आपको इसको ओपन करके बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको मैंने ओपन करा, ये देखिए इस तरह का इसके अंदर आप आइटम वगैरह जो भी है वो रख सकते हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर पेंटिंग वगैरह जो भी आपको रखना है वो रखें, यहाँ पर चित्र वगैरह पेंटिंग वगैरह आपके जो भी कलर्स वगैरह है वो सब आप यहाँ पर रख के इसको बना सकते हैं। और नीचे से जब ये स्टैंड ओपन हो जाता है यहाँ से, तो ये ओपन होने के बाद इसको आप इस तरीके से नीचे रख के भी आपका वर्क जो भी है वो आप कर सकते हैं। तो है ना कमाल का। तो अगर आपको स्पाइडरमैन बॉक्स प्लस यहाँ पे पेंटिंग करने का ऑप्शन भी दे रखा है,
ये आपको पसंद आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। ये भी जो इसकी एज लिमिट जो है वो 5+ मतलब 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे ही इसको यूज़ करें। अगर तो आपको ये पसंद है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी लाजवाब है। चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉय के ऊपर, जो कि एक और हमारा वेब शूटर, देखिए स्पाइडरमैन वेब स्लाइगर। वाओ, इस तरीके से इसके अंदर था। ये भी 5+ ईयर्स मतलब 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। मैं आपको बता दूँ इसको इस तरीके से यूज़ करना है। मैं आपको इसको निकाल के बताता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको पहला बंद निकाला, ये आ चुका है बाहर। तो ये इसको यहाँ से निकाल लिया आपने, इसको ये देखिए पूरा के पूरा यहाँ से आप इसको निकाल लो। उसके बाद ये देखिए यहाँ से भी इसको इस तरीके से, उसको यहाँ से आपने रबर से इसको लगा रखा, इसको यहाँ से अपन बाहर निकाल देते हैं। और ये अभी मैं हमारा ग्लव्स निकाल दूँ, क्योंकि इससे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको ग्लव्स चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट करिए, आपको पूरी यूनिफॉर्म मिल जाएगी स्पाइडरमैन की। यहाँ पर ये हमने निकाल लिया है स्पाइडरमैन का वेब शूटर, इसको यहाँ से लगा के और फिर इसको इस तरीके से फिट करना होगा। आपको क्या करना है, इसको अगर आपको हाथों में पहनना है तो आप इसको इस तरीके से आपके हाथों में पहन लीजिए और यहाँ से इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो मेरे को अभी काफ़ी प्रॉब्लम आएगी इसको लगाने में, तो मैं लगाता हूँ और आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि ये मेरे हाथों में डालने में काफ़ी दिक्कत दे रहा है, प्रॉब्लम हो रही है इसको हाथों में लगाने में। देखिए मैं इसको लगा के बता देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके का आएगा ये। आपको हाथों में लगाना होगा, यहाँ से आप इसको टाइट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ हमारे पास ये देखिए, ये बुलेट, ये बुलेट क्या है मतलब नॉर्मल है, इसको बता सकते हैं। इसको इस तरीके से चलाना होगा, चलाने का तरीका भी इसका काफ़ी यूनिक है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको निकाल लेता है एक मिनट यहाँ से, ये देखिए पूरा इन्होंने पूरा बताया, काफ़ी ख़तरनाक तरीके से इसको पूरा पैक कर रखा है। यहाँ से इसको मैंने निकाला, फिर यहाँ से इसको भी निकालते हैं। देखिए पूरा रैप करके रखा है इन्होंने, पूरा एकदम पूरा यहाँ से देखिए निकल चुका है, यहाँ से ये फाइनल आ चुका है। ये देखिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से लगा के आपको इसको, ये इसको मैंने उल्टा पहना है, इसको आपको इस तरीके से घुमाना होगा। यहाँ से आप इसको लगा के इसको खींच के, तो ये फायर इस तरीके से फायर होगा। तो मैंने काफ़ी स्लो करा है, आप इसको काफ़ी तेज़ भी फायर कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से लगेगा, यहाँ से आप इसको फायर कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा किस तरीके से वर्क करेगा। मैं आपको एक बार इसका लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ इसको निकालने के बाद। एक सेकंड, यहाँ से मैंने इसको निकाला, देखिए इसको निकाला है। आप इसको यूँ पहनिए, इसको यूँ लगाइए आप यहाँ पे इस तरीके से, और ये देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको। वाह है ना, कमाल का, इसको आप काफ़ी तेज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से फायर होगा। तो आपको ये पसंद है तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। चलिए आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉय के ऊपर, जो कि हमारा एक और स्पाइडरमैन का गुल्लक। ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, इसके अंदर नीचे से ऑप्शन दे रखा है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से पैसे वगैरह डाल सकते हैं, चिल्ड्रंस वगैरह जो भी आपके पास मनी है यहाँ से डाल सकते हैं। तो आपको स्पाइडरमैन का गुल्लक पसंद है तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। तो आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉय के ऊपर, जो कि है हमारा एक और स्पाइडरमैन का गुल्लक। ये पूरा का पूरा जो है पतरे का बना हुआ, आपको देख सकते हैं। इसके अंदर आपको मनी डालने के लिए यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, इसका एक लॉक मिल जाएगा, इस लॉक की की भी आपको मिलेगी। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं और वापस इसके अंदर जो भी आपने पैसे डाले वो निकाल सकते हैं, यहाँ से खोल सकते हैं। इसका लुक काफ़ी अच्छा, अगर आपको ये लुक पसंद आया तो आप नीचे कमेंट करिए। वाह, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये स्पाइडरमैन का लुक, स्पाइडरमैन का पास बॉक्स, तो इसको भी रखते हैं साइड में। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉय के ऊपर, जो कि एक और हमारा स्पाइडरमैन का मास्क है। काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल सेम है, बस इसकी साइज छोटा है। इसके ऊपर जो कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से जगह रखा है, तो अगर आपको ये मास्क चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। वाह, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉय के ऊपर, जो कि हमारी एक स्पाइडरमैन की चलती फिरती बाइक। वाह देखिए, है ना कमाल की यूनिक। इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसका एक ट्रिगर दे रखा है, उस ट्रिगर के थ्रू आप इसको चला सकते हो। यहाँ से आप मैन्युअली भी इसको इस तरीके से चला सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वो ट्रिगर लगता है, इसको आप पीछे खींचते हो, ऑटोमेटिक काफ़ी तेज आगे की तरफ इस तरीके से मूव करती है। उसको यहाँ से देखिए, आपको ये देखिए लोड हो रही है यहाँ से, और यहाँ से आप इसको चला भी सकते हैं। इस तरीके से फायर करने का ऑप्शन भी है इसमें। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसकी यूनिक चीज़ है वो क्या, यहाँ पे स्विच दे रखा, स्विच दबाओ आप इसके, तो देखिए वाह यार ये क्या बन गई, देखिए चलती फिरती मतलब ऑटोमेटिक यहाँ से चलने लगे। देखिए ये कार बन चुकी है अभी यहाँ पे, वो देखिए आप इसको, ये बन चुकी है हमारी 4-व्हील ड्राइव, तो अभी जो थी वो 2-व्हील ड्राइव थी। तो आप देख सकते हैं इसका ऑटोमेटिक इसका ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो अगर आपको ये पसंद है तो नीचे कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए जितना कर सकते हैं।
यहाँ से बंद कर दीजिए इसको, और यहाँ से मैं इसको फिर से लॉक कर देता है बेटे। वाह है ना कमाल कमाल मचाने वाली हमारी स्पाइडरमैन की बाइक। तो इसको मैं आपको अच्छे से चला के बताऊंगा नीचे। अब आता है हमारा लास्ट नॉट लीस्ट टॉय को, जो कि हमारा स्पाइडरमैन एवेंजर्स का कंप्यूटर। काफ़ी मिनी है, काफ़ी छोटा है, इसके अंदर 3 AA साइज की बैटरी लगेगी, जो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी लगा चुका हूँ मैं इसके अंदर। तो चलिए इसको ओपन करता हूँ, आपको चला के बताऊँगा किस तरह चलता है। देखिए यहाँ पर देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिस पे भी प्लेस करोगे वो नाम बताएगा यहाँ से आपका ऑल ऑफ है। ओहो अगर आपको ये कंप्यूटर हमारा पसंद है तो आप नीचे कमेंट करिए। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे, उनका माइंड शार्प करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसको भी मैंने ऑफलाइन मार्केट में परचेस करा है। तो आई होप आपको इसका हमारा कलेक्शन ऑफ स्पाइडरमैन टॉयज़ का बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर बिल्कुल पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को करते यहीं पर समाप्त, मिलते हैं हमारे किसी अगले टॉयज़ के वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।